mosque was allegedly vandalized and attacked by miscreants in Gurugram. The incident allegedly unraveled in Gurugram's Bhorakalan area, with miscreants not just vandalizing the mosque but also assaulted and threatened people, as per the FIR which has been filed in this case. Protests erupted after this mosque vandalism, bringing things to a boil in the area. Further investigation is underway into this attack. In their police complaint, the victim stated that they were attacked and threatened by miscreants while they were offering prayers at the mosque. ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग बताए गए हैं, तो उनके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी ये इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में है और उसमें सारी चीजें जब इन आदमियों के बारे में इनसे पूछताछ हो जाएगी, जब भी सारे फैक्ट्स पता चलेंगे कि क्या असल वजह क्या रही है। My colleague Himanshu Mishra is now joining me live on this. Himanshu, घटनाक्रम बताइए, आखिर हुआ क्या था? देखिए, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यही आपको मैं दिखाता हूं, यही वो जगह है जहां पर पड़ी जा रही थी। दरअसल यहां पर अंदर, इस जगह पर अंदर एक मजार है और यहां पर आप राइट हैंड पर जो ताला देख रहे, दरवाजा आप देख रहे हैं, यहां पर नमाज अदा की जाती है और बुधवार के दिन भी यहां पर नमाज अदा की जा रही थी। उस वक्त रात के तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच का वक्त था जब अचानक से कुछ लोग आते हैं, मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि उन्होंने अंदर आया और मारपीट की, कुर्सियां तोड़ी और इस दरवाजे पर जो आप देख रहे हैं इस पे लॉक लगा दिया गया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया, आप देखिए ये ताला यहां से तोड़ा गया, जो दिखाया जा रहा है इसको लॉक को तोड़ा गया। अब दरअसल ये विवाद शुरू क्यों हुआ, ये मैं आपको पौलमी बताता हूं। यहां पर लोगों का ये कहना है, हिंदू पक्ष का, कि यहां पर ऊपर कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था और जो ये जमीन थी ये कॉमन पूरे गांव की थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब कंस्ट्रक्शन होने लगा और बात यह थी कि बाहर से लोग यहां पर नहीं आएंगे और सिर्फ गांव के लोग ही आएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने यह आरोप लगाते हुए वो यहां पर आगे की तरफ आए कल और उन्होंने यहां पर मारपीट की, जिसके बाद एक पुलिस को शिकायत दी गई यहां पर पौलमी, और उस शिकायत के बाद यहां पर FIR दर्ज हुई। लेकिन उसके बाद फिर से सभी गांव के लोग यहां पर मिलकर बैठते हैं, बातचीत होती है गुरुवार की शाम को। अभी हमने जो कंप्लेनेंट थे, जिनकी कंप्लेन पे जिन्होंने पुलिस को कॉल की थी, जिन्होंने कंप्लेन की थी, वो अंदर मौजूद है नजर, उनसे हमने बात की। उनका यह कहना था कि जब गांव के सभी लोग, सभी बुजुर्ग लोग बैठते हैं, दोनों समुदाय को बैठते हैं, पुलिस बैठती है और उसके बाद ये तय होता है कि जो परिस्थिति थी वो यथास्थिति बनी रहेगी, किसी भी तरीके से ऐसे लोग जो माहौल खराब करें उनको नहीं बख्शा जाएगा। और इसके बाद आपस में बातचीत के बाद जो कंप्लेन थी, इनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को लिख के दिया है कि उन्हें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो फिलहाल यहां पर दोनों समुदायों ने आपस में बैठकर बातचीत कर ली है और इस पूरे इलाके में जो ये गांव है, यहां का गुड़गांव से ये तकरीबन 40 किलोमीटर आगे जो मानेसर, उससे आगे ये गांव पड़ता है और यहां पर फिलहाल पूरी तरीके से शांति है। और दोनों समुदाय का ये कहना है कि चूंकि जिस तरीके से अभी तक जो बनी हुई थी हालात, वही हालात आगे बने रहे, यही सभी की कोशिश है। पल में जी, हिमांशु, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।